साथियों, आपने ट्यूबबडी का नाम सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमारी कोई भी वेबसाइट है, हमारा चैनल है, उसको अगर हमने सर्च में लेके आना है तो हम उसको बोलते हैं SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमने अपने चैनल को ग्रो करना है तो उसका SEO करना ज़रूरी है, और SEO करने के लिए ट्यूबबडी एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, अच्छा माध्यम है। किस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या वाकई में इसके फ़ायदे हैं या नहीं है, वो सारा हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है। यदि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं लेनी है तो बेशक से आप क्विट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ट्यूबबडी पहले इंस्टॉल कर रखा था, मैंने हटा दिया है आपको दिखाने के लिए। अगर आपके पास ट्यूबबडी नहीं है तो आपको किस प्रकार का लुक मिलेगा। हमने अपना चैनल ओपन कर लिया है तो नॉर्मल यहाँ पे जो दिखाई देता है डैशबोर्ड, सेम एज इट इज डैशबोर्ड है। वीडियोज़ में जाके हम किसी वीडियोज़ को देखते हैं, कोई भी हम वीडियो सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर जो हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर जो हमने टैग्स लगा रखे हैं वो नॉर्मल से दिखाई देंगे, जो एक्चुअल जो दिखाई देने चाहिए। इससे हम ये नहीं लगा पा रहे कि हमारा चैनल कहाँ कितना ग्रो कर रहा है, हमारी कौन सी टैग ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। अब हम ट्यूबबडी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो, मैंने गूगल क्रोम लिया हुआ है। अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो द बेस्ट है, लेकिन कोई भी ब्राउज़र हो ये ऑटोमेटिक उसको रीड कर लेता है ट्यूबबडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे ट्यूबबडी, ठीक है। आप ट्यूबबडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपली सीधा सा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे नज़र आएगा, देखो ट्यूबबडी गूगल क्रोम है ना, यहाँ पे दिख रहा है ट्यूबबडी इज़ फ्री इंस्टॉल ऑन क्रोम या फायरफॉक्स या आईफोन एंड एंड्रॉयड, सभी के लिए अवेलेबल है आपके पास जो भी ब्राउज़र है। तो मेरे पास क्रोम है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। आपके पास अगर क्रोम दिखाए तो क्रोम पर क्लिक कर लें, बाद में जब यहाँ पर आएंगे तो एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। यहाँ पे दिखा रहा है ऐड टू क्रोम, दिखा रहा है ना। अगर आपके पास फायरफॉक्स है तो दिखाएगा ऐड टू फायरफॉक्स, यानी कि उसका एक्सटेंशन आपके उस ब्राउज़र में जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ मैं, और ऐड एक्सटेंशन। तो देखो यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो रहा है, ये जस्ट चंद सेकेंड में अभी डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड कम्प्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर दिखा रहा है एक्सटेंशन के लिए ऐड टू क्रोम में, मेरा चैनल भी एक लॉगिन है या दूसरी टैब के अंदर, देखो चैनल भी दिखा रहा है। तो मैं इसको कर लेता हूँ टर्न सिंक्राइज, ओके, और कर देता हूँ यस आई एम इन। अगर ये पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता है तो ये बाद में पूछेगा साइन इन के लिए। मैं इसको आई एम इन कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे एक आइकन बन गया आपके पास ट्यूबबडी का इस ब्राउज़र के अंदर। अब वापस हम अपने चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये दिखा रहा है ट्यूबबडी के लिए। हम अपने चैनल को एक बार रिफ्रेश करेंगे इस पेज को। देखो जैसे हमने रिफ्रेश किया है, यहाँ पे ये दिखा दिया इसने एक और ट्यूबबडी के लिए आइकन, लेकिन उससे पहले यहाँ दिखा रहा है ट्यूबबडी साइन इन रिक्वायर्ड। तो हमने पहले इसमें साइन इन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन इन विद यूट्यूब, यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपने कौन से चैनल से इसको लॉग इन करना है वो चैनल चुनेंगे, ठीक है। मैंने इस चैनल से इसको लॉग इन करना है, ये मैंने चुन लिया यहाँ पे। अब ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको हमने फॉलो करना है और इसको कर देना अलाउ। अब हम यहाँ पे साइन इन हो चुके हैं। अब दिखाते हैं हम इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो डैशबोर्ड हमारा यहीं से सारा काम कर जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखो हमने डैशबोर्ड पे आना है या वीडियोस में जाना है, लाइव स्ट्रीम करना है, कमेंट चेक करने हैं, एनालिटिक्स चेक करनी है, सारा काम हमारा यहीं से हो जाएगा। इसके अलावा हम किसी वीडियो पे चलते हैं। अब फिर से वही वीडियो ओपन कर लेता हूँ जो हमने पहले ओपन किया था। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये वाला वीडियो ओपन किया है। हम कोई दूसरा वीडियो देखना चाहें तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर इस टूल बार को हम क्लोज करना चाहें तो यहाँ से जाके इसको हम हाइड कर देंगे। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हम जहाँ हमारी टैग्स हैं हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे टैग्स के अंदर। तो अभी भी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। एक बार फिर से हम रिफ्रेश करते हैं इसको और अब फिर से नीचे जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, तो देखो यहीं से शुरू से ही दिखाता हूँ मैं आपको। यहीं से आपके पास यहाँ पे कार्ड या फिर आपके एंड स्क्रीन दिखाता है, उसके नीचे दिखा रहा है देखो अपलोड डिफ़ॉल्ट या फिर ऐड कार्ड्स। आपने कार्ड्स ऐड कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं,
एंड स्क्रीन लगाई है या नहीं लगाई है वो सारा यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ से भी एंड स्क्रीन लगा सकते हैं डायरेक्ट। आपने इस वीडियो के अंदर कोई एडल्ट कंटेंट तो यूज़ नहीं कर रखा है, वो वार्निंग यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई एडल्ट कंटेंट है तो ये ऑटोमेटिक उसको रीड कर लेगा और यहाँ पे वार्निंग शो करेगा। थंबनेल आपने क्रिएट करना है, देखो यहाँ से डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे और थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। आपने इसी वीडियो में से कोई फ्रेम यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्लोली उसको प्ले करके हम जो फ्रेम हमको वीडियो में से चाहिए थंबनेल के लिए वो ओके कर सकते हैं। कोई सॉलिड कलर हमको लगाना है तो सॉलिड कलर अपने थंबनेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह डिफाइन करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ये हम फिर किसी वीडियो में आराम से समझा देंगे। या फिर आपने पहले से कोई थंबनेल बना के रखी है, कोई इमेज, कोई एग्जिस्टिंग थंबनेल है, तो वो यहाँ से सीधा अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे टैब्स के पास, जहाँ पे हमारी टैग्स लगी हुई है वहाँ पे दिखाएगा आपकी कौन सी टैग कितने नंबर पे रैंक कर रही है। देखिए यहाँ पे इस वीडियो में मेरी सिर्फ 3 टैग रैंक कर रही है, 11 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 1 नंबर पे। इस तरह और अच्छी टैग लगाएंगे तो वो टैग्स हमारी अच्छी रैंक करेंगी। और अच्छी अच्छी टैग कैसे लें जो रैंक करें वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा हमने कोई रिकमेंडेड टैग्स चुननी है तो देखो यहाँ पे ये रिकमेंडेड टैग्स भी दिखाएगा। ये कह रहा है ये टैग्स ले सकते हैं, 27 नंबर पे रैंक कर रही है, ये टैग 22 नंबर पे रैंक कर रही है। हम तीनों टैग यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल ये 3 दिखाएगा, ज़्यादा लेने के लिए हमने इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और ऐसा आप नहीं चाहेंगे कि इसको अपग्रेड करें, और इसको ज़रूरत भी नहीं अपग्रेड करने की, 3 टैग्स काफ़ी होती है। ये 3 टैग ले लेंगे तो उसके बाद और टैग सजेस्ट करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे सजेस्टेड में जाएंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ और सजेस्टेड टैग यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले आपके वीडियो के लिए आप ये टैग्स यहाँ पे चुन सकते हैं, ये आपने ली हुई है, ये टैग्स दिखाएगा। जैसे ये 11 नंबर पे रैंक कर रही है, टैग 11 नंबर पे है। इस तरह ये आप 1, 2, 3 ये टैग्स भी यहाँ पे चुन सकते हैं। ये आपके चैनल से रिलेटेड टैग्स हैं वो यहाँ पे शो करेगा जो कि रैंकिंग में चल रही है। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप ये कोई भी टैग्स कॉपी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर अपनी टैग्स को शॉर्ट करना चाहें कि हमने कोई सी टैग कोई ऊपर ले जानी है, कोई नीचे रखनी है, तो आराम से हम यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी टैग्स को शॉर्ट कर सकते हैं कि कौन सी टैग हमने ऊपर रखनी है। हम टैग को यूँ पकड़ेंगे और जहाँ भी हमने इसको सेट करना है उस टैग को यूँ सेट कर सकते हैं, या फिर ऑटो शॉर्ट बाई रैंक, रैंकिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक शॉर्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये रैंकिंग के हिसाब से अपने आप शॉर्ट हो जाएंगी और इसको कर देंगे अप्लाई। तो इस प्रकार से ट्यूबबडी हमारी काफ़ी मदद कर सकता है अपने चैनल को SEO कराने के लिए। अब यहाँ से हमने डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे जाना है तो सीधा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे डैशबोर्ड तो हम सीधा डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड के लिए। तो डैशबोर्ड पर जाने से पहले यहाँ पे देखिए कुछ पॉपुलर टास्क और फीचर्स हैं इसके। सबसे पहले तो कीवर्ड्स एक्सप्लोरर है, हमने कीवर्ड एक्सप्लोर करके देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो ठीक है, इसको हम लॉन्च करते हैं। हम कोई भी एक कीवर्ड डालें, मैं यहाँ पे डालता हूँ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। ओके, और एक्सप्लोर करता हूँ एक बार। देखिए ये दिखा रहा है पुअर, हालांकि सर्च वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे फुल ग्रीन दिखा रहा है, सर्च वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुअर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्च में आ रहा है तो आपके लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं। ये टैग्स या ये कीवर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया हुआ है, तो कुछ ऐसा कीवर्ड यूज़ करें जो कि ओवरऑल आपका अच्छा दिखाए, परसेंटेज अच्छी नज़र आए उसकी। इसने कुछ रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स दिखाए हैं, इनमें से हम चुन सकते हैं। एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो देखिए ये फेयर दिखा रहा है, आ कह रहा है कि आप ये यूज कर सकते हैं। सर्च वैल्यू इसकी फ़िलहाल कम है लेकिन ये सर्च में आ सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार कुछ कॉमन वीडियो टैग अगर हमने लेनी तो नीचे वीडियो टैग्स भी हैं कि आप ये टॉपिक्स ले सकते हैं, इन पर वीडियो बना सकते हैं। इसी प्रकार फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे आगे चलते थंबनेल जनरेटर। देखिए थंबनेल किस प्रकार जनरेट करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे गो टू माय वीडियो पेज नाउ, कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम करेंगे क्रिएट थंबनेल। तो ये वहीं उसी पेज पे ले आएगा जो हमने बताया था कि हम थंबनेल किस प्रकार लगाएंगे। कोई स्टिल फ्रेम लेनी है हमने वीडियो में से, कोई
या फिर हमने सॉलिड कलर का लेना है, या इमेज या फिर एग्जिस्टिंग थंबनेल हमने कुछ बना के रखी हुई है, उसके ऊपर लेयर लगानी है, हमने कुछ लिखना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे तीनों स्टेप हैं जो कि मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा। ओके, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा। आगे देखते हैं, हमारे पास हेल्थ रिपोर्ट हमने चेक करनी है, देखो एनालिटिक्स चेक करनी है, तो हम यहाँ से अपनी वीडियोज़ की एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, उसकी हेल्थ रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और टास्क हैं जो कि इसके पेड वर्जन में अवेलेबल होंगी, लेकिन हमने पेड वर्जन नहीं लेना है, हमारा ट्रायल से काम चल जाएगा। बल्क प्रोसेसिंग, देखिए बल्क प्रोसेसिंग भी नहीं चलेगा अगर हम चलाना चाहेंगे, बल्क प्रोसेसिंग पेड में चलता है, उसके लिए हमने लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। बाकी कोपा सेंटर आप खुद रीड करके देखना, कमेंट मॉडरेट करने, हमने कोई कमेंट को पिन करना है, कमेंट्स का रिप्लाई करना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं और सीधा यहाँ से कमेंट पेज के ऊपर जा सकते हैं। वीडियो एनालिटिक्स चेक करनी है, वीडियो एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कम्प्लीटली उस वीडियो की सारी डिटेल्स, उसका CTR, उसके व्यूज़, वीडियो की अर्निंग, एवरेज व्यू ड्यूरेशन उसकी, SEO और चैनल्स का कम्प्लीट हमें एनालिटिक्स यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो हम सीधा चलते हैं डैशबोर्ड पे। हम डैशबोर्ड पे आ गए, ऐसे अगर हमने वीडियोज़ पे जाना है, वीडियोज़ पे जा सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो YouTube चैनल SEO के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, उसको रैंकिंग में लेके आने के लिए, अच्छे टैग्स लगाने के लिए TubeBuddy बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है आपके लिए, तो इसको ज़रूर यूज करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी बेनिफिट आपको बताएंगे। मैंने TubeBuddy के काफ़ी फीचर आपको यहाँ पे समझाए हैं, उसके बेनिफिट्स बताए हैं, इसके अलावा आप खुद भी देखना कि ये हमारे लिए कहाँ कहाँ बेनिफिट दे सकता है, किस किस प्रकार ये हमारे काम आ सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।